इंदौर में अवैध शराब की खरीदी व बिक्री करने वालों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। उसके बावजूद शहर में अवैध शराब का धंधा जोरों से चल रहा है। ताज़ा मामले में इंदौर की कनाडिया पुलिस ने अवैध रूप से लाई गई 14 पेटी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर की कनाडिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति शराब के साथ ब्रिज के नीचे खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने एक टीम गठित कर दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों ने इंदौर में शराब की डिलीवरी देना कबूल किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 14 पेटी शराब, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है, बरामद की है। अवैध शराब को लेकर सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर थाना कनाडिया की टीम ने एक महिंद्रा लोगान गाड़ी पकड़ी है, जिसमें 14 पेटी देसी शराब है। दो व्यक्तियों को उसमें अभी गिरफ्तार किया गया है, रवि अहिरवार और अन्ना दुराई, दोनों इंदौर के रहने वाले हैं और गाड़ी के साथ उनको पकड़ा है। सर, आगे विवेचना की जा रही है। कहाँ से लाए थे, किसे देने? अभी उनके द्वारा बताया गया था कि कोई एक व्यक्ति था जो उनके साथ गया था, वो धार या बड़वानी जिले का उनको बता के ले गया था और वहाँ से शराब ली थी और इंदौर में कनाड़िया ओवर ब्रिज के आगे कहीं डिलीवरी करने वाले थे, तो पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इनके ऊपर कोई पूर्व में भी इस तरह अभी उनका पूर्व रिकॉर्ड नहीं है और आज पुलिस रिमांड लेके उनके आगे विवेचना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।